अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और आज का व्लॉग जो है मैं बहुत लेट जो है डालूंगी, वो इस वजह से कि जैसे ही ईद शुरू हुई, ईद में बिज़ी हो गए, फिर ईद से जैसे ही फ्री हो गए कि एक के बाद एक घर में सब बीमार हो गए थे, तो उसकी वजह से जो है टाइम ही नहीं मिला अपलोड करने का। कभी बड़े बीमार हैं, कभी बच्चे बीमार हैं, इसी में रह गए हैं हम लोग। तो आज का व्लॉग जो है ये 2-3 दिन का है और ये तकरीबन ख़त्मुल कुरान से लेके ईद तक का व्लॉग है जो कि आप लोगों के साथ अभी शेयर करने लगे हूँ। वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता ज़्यादातर। तो यहाँ पे जो है हम लोग गए थे मस्जिद नबी, ये ख़त्मुल कुरान की रात है। जैसे हम लोगों ने मस्जिद नबी में गए, मगरिब की नमाज़ अदा की, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमें वापस घर आना पड़ा। वो इस वजह से क्योंकि हम लोगों को बहुत लेट गए थे और जिसकी वजह से हमें बाहर जगह मिली थी और इतनी मुश्किल से वो भी मिली थी। जैसी बारिश हुई फिर हम लोग वापस आ गए, बच्चों को अम्मी के पास छोड़ा और हमने सोचा हम मस्जिद कुबा चले जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड ने भी जल्दी ऑफिस से छुट्टी कर ली थी ताकि हम लोग ख़त्म कुरान पे जा सकें। लेकिन मसला ये था कि फिर बारिश इतनी ज़्यादा हुई और जगह माशाल्लाह बहुत जल्दी हरम जो फुल हो जाता है, तो हमें जगह नहीं मिली वहाँ पे। फिर हम लोग वापस आए और वापस आके बच्चों को छोड़ा अम्मी के घर और फिर वहाँ से हम लोग मस्जिद कुबा चले गए पैदल, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। पहले क्या होता था कि हर मस्जिद में ख़त्मुल कुरान होता था, लेकिन इस साल यानी कोरोना के बाद से अभी तक जो है ये सेट नहीं हुआ कि हर जगह पे ख़त्मुल कुरान हो। अब सिर्फ मस्जिद नबी में होता है ख़त्मुल कुरान और बाकी मस्जिदों में जो है तहज्जुद की नमाज़ के वक्त ख़त्मुल कुरान होता है। तो जैसे ही हम लोग गए तो बस हम लोग तरावी पढ़ के वापस आ गए थे, बच्चों को लिया और फिर जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रहती थी इनकी वो हमने कम्प्लीट की, क्योंकि आगे चांद रात है। ये हमें डाउट था कि पक्का जो है ईद जुमे को होगी, फिर टेंशन एक उम्मीद भी थी भी शायद 30 रोज़े हो जाएं, शायद हफ्ते को हो, तो लेकिन जुमे को ईद थी। हमने जुमे से पहले ही शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी कि हो सकता है जुमे को हो सकता है हफ्ते को। अच्छा, तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये मस्जिद कुबा की तरफ जाता है, हरम से मस्जिद कुबा की तरफ जाता है सीधा। आप लोग पैदल जा सकते हैं और जाते हुए रास्ते में इतनी माशाल्लाह प्यारा व्यू है, रौनक लगी हुई है कि आप लोग बिल्कुल भी सफ़र का पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग पैदल जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया, इंजॉय भी किया हमने पैदल जाते हुए। और हमने जाके तरावी पढ़ी, तरावी पढ़ने के बाद हम लोग घर आए, बच्चों को लिया और फिर हम लोग थोड़ी बहुत जो शॉपिंग रहती थी वो कंप्लीट की। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम लोग जैसे ही अंदर मस्जिद कुबा गए, क्योंकि अंदर तो माशाल्लाह से फुल हो चुका था, हम लोग इशा से थोड़ा पहले गए थे, तो माशाल्लाह से अंदर लेडीज़ की साइड फुल थी, जेंट्स में जगह थी जो कि मेरे हस्बैंड को आराम से मिल गई थी, लेकिन मुझे जगह नहीं मिली तो मैं बाहर बैठी थी। और यहाँ पे फिर एकदम से बारिश आ गई, पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे बारिश हुई नहीं है और एकदम से फिर यहाँ पे भी तेज़ बारिश हो गई थी। और फिर यहाँ पर इन्होंने ये जो छातानुमा बनाया हुआ है, ये लेडीज़ की बैठने की जगह थी, जो कि बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए, ताकि क्योंकि हमारी जो है नमाज़ हो गई, वरना पता नहीं हम क्या करते बाहर। माशाल्लाह से बहुत रश था, अंदर तो फुल था लेकिन बाहर भी बहुत रश था। और यहाँ पे इन्होंने ये सेटअप भी अच्छा बनाया हुआ था कि लेडीज़ यहाँ पे नमाज़ पढ़ें, जेंट्स वाली साइड आप देखें बाहर अभी तक आदमी खड़े हुए हैं। ये देखें, ये पूरी जो है लेडीज़ के लिए बनाई हुई थी नमाज़ के लिए, और हमारे लिए आसानी रहा। मैं छाता ले गई थी लेकिन फिर भी आपको पता है नमाज़ पढ़ने में कितनी मुश्किल होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ पे तरावी पढ़ी और फिर चले गए, क्योंकि यहाँ पर ख़त्मुल कुरान जो है वो सुबह होना था तहज्जुद के वक्त, तो हम लोग बैठे नहीं, फिर हम लोग चले गए था क्योंकि बच्चे अम्मी को तंग ना करें। तो यहाँ से अभी हम बाहर निकले, नमाज़ पढ़ ली, अभी हम जा रहे हैं वापस। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसका व्यू जो है दिखा दूँ। ये देखें, यहाँ पे जेंट्स की साइड थी और यहाँ जो छातानुमा है वहाँ लेडीज़ की थी। एकदम से बारिश इतनी तेज़ हुई है कि पता भी नहीं चला। यहाँ से पूरी मस्जिद उबा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ,
अभी हम यहाँ से वापस जैसे आए थे वैसे पैदल जाएंगे। और देखिए माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है यहाँ पे। आप लोग यहाँ से सीधा हरम भी जा सकते हैं और हरम से सीधा मस्जिद कुबा जा सकते हैं, मतलब ना आगे ट्रैफिक की टेंशन, रोड क्रॉस करने की टेंशन, सीधा सीधा रास्ता है। और साइडों में छोटी छोटी शॉप्स भी बनी हुई हैं, खाने पीने की भी हैं, शॉपिंग के लिए भी हैं, तस्बीह, जानमाज, इस तरह की चीज़ें भी आपको रास्ते में ही मिल जाएंगी। और बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, सोदिया का जो है रिक्शा वो भी यहाँ पे है। तो वापस जाते हुए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे आइसक्रीम खिलाएं। एक तो मौसम इतना ठंडा था, ऊपर से हमने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई जो कि हमें अच्छा भी लगा, बहुत मज़ा आया। तो अभी जो है हम यहाँ से सीधा चलते हैं वापस, बच्चों को लेते हैं और फिर वहाँ से शॉपिंग, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या लिया है। नकाब के साथ आइसक्रीम खाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मज़ा आया, इन्जॉय किया हमने मौसम को वापस जाते हुए पैदल, क्योंकि काफ़ी यहाँ से दूर था और हम लोगों ने सोचा आइसक्रीम खाते हुए पता भी नहीं चला वक्त का, और पैदल हमारे सफ़र का। और बस यहाँ से हम लोग सीधा बच्चों को लेके शॉपिंग करने चले गए। चला तो फिर यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, जो ईद की थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी वो कंप्लीट करने। यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें जो रह गई थी तो वो देखी हैं, उनके कपड़े वगैरह, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, महंगाई हर जगह पे होती है, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल। तो ये फिस्तान मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन कलर भी बहुत प्यारा था, लेकिन यहाँ पे जो है इस ईद पे मैंने फिस्तान नहीं लिया, हर ईद पे इनको फसातीन पहनाते हैं, इस ईद पे मैंने सोचा कि कुछ चेंज हो। तो बस अभी हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, और यहाँ पे ये है ईद के दिन का व्लॉग, मतलब अभी रात के 2 बजे हैं, सुबह ईद है, तो मैं यहाँ पे खाना बना के रख रही हूँ ताकि फिर जैसे ईद नमाज पढ़ के आते हैं तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो यहाँ पे मैंने चिकन का सालन बना लिया, साथ ही मैंने थोड़ी सी बिरयानी बना ली थी, और उसके अलावा साथ ही थोड़ा सा ज़रदा बना लिया था। والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد। तो ईद नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही हम लोग घर पे आए तो फ़ौरन दस्तरखान लगा दिया, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। हमारी ईद ऐसी होती है, ईद नमाज़ पढ़ के आते हैं और फिर जल्दी से खाना खाते हैं, खाना खा के फिर जो है कहीं जाना होता है। जैसे पहले दिन हम जाते हैं सुबह के वक्त ससुराल में और फिर रात के वक्त मैके में, तो ससुराल से हो लिया था और फिर सो गए थे। यहाँ पर फिर रात का टाइम है मगरिब का, यहाँ हम अम्मी अबू के घर आ गए थे उनसे ईदी मिलने। तो बच्चों के लिए अम्मी अबू ने देखे सेटिंग कितनी अच्छी की हुई थी, इनके गिफ्ट्स बनाए हुए थे पैकेट्स करके, तो बच्चों की बहुत अच्छी ईद गुजरी माशाल्लाह से। वैसे भी ईद बच्चों की होती है मैं कहती हूँ, तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की यहाँ पे अम्मी के घर पे। तो अभी इनकी बारी हो गई है गिफ्ट्स लेने की, तो सबसे पहले अम्मी से गिफ्ट्स ले रहे हैं, अम्मी से ईदी ले रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे अम्मी ने सबको ईदी दी है एक एक करके, इनको लाइन पे खड़ाया ताकि कोई लड़े ना। तो यहाँ पे इन्होंने गिफ्ट्स लिए अम्मी से, और उसके बाद फिर भाई से ईदी लिए, और ये जो अम्मी ईदी दे रही हैं ये अम्मी ने कहा कि अम्मी और अब्बू दोनों की तरफ से है। तो यहाँ पर ये लोग मज़े से जो है अम्मी से ईदी ले रहे हैं। तो आप बताइए आप लोगों के यहाँ ईदी कैसे गुजरती है, आप लोग कैसे ईदी लेते हैं, कैसे सिस्टम है यहाँ पे? तो यही तरीक़ेकार है कि अम्मी से ईदी, भाई से ईदी, तो इस तरह से। तो अभी अपने मामों से ईदी लेके जा रहे हैं बच्चे खुश होके, और बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया अम्मी अबू के पास। तो ससुराल में मैंने व्लॉग इसलिए नहीं शूट किया था क्योंकि बहुत जो है फैमिली बहुत बड़ी है, तो व्लॉग करना ज़रा अच्छा नहीं लगता क्योंकि किसी को पता भी नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे सबने ईदी ली है। आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप लोग कैसे ईद मनाते हैं, मतलब के। तो सबसे लास्ट में भाई ने अम्मी को ईदी दी और अम्मी भी बहुत खुश हुई क्योंकि सबसे बड़ा जो बेटा है उनका यही है।
तो यहाँ पे मैं लड़ रही थी कि मेरी ईदी का है, मुझे भी ईदी चाहिए, तो भाई नखरे कर रहे थे, तंग कर रहे थे, मुझे ईदी नहीं दे रहे थे। बस हमारा यही तरीक़ेकार है, इसी तरह से हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। बाकी हमारे रिश्तेदार जो हैं वो सारे पाकिस्तान में हैं, तो बस यहाँ पे अम्मी और अब्बू हैं, तो बस यहीं से हमारी ईदी इसी तरह से गुजरती है। और अगले दिन फिर हम बच्चों को कहीं घुमाने ले जाते हैं, फिर तीसरे ईद के तीसरे दिन भी कहीं ना कहीं निकल जाते हैं बाहर घूमने फिरने, पार्क वगैरह। तो यहाँ पे अभी ईद का दूसरा दिन है, यहाँ हम लोग आए हुए हैं बच्चों को घुमाने के लिए हैप्पी लैंड, जो कि उनकी फेवरेट जगह है। और हम लोग मतलब कोशिश करते हैं कि बच्चे इंजॉय करें ईद को, फुल सेलिब्रेट करें, क्योंकि बाद में बच्चों ने बड़े हो जाने हैं और ईद जो है ईद के अच्छे अच्छे यही पल जो हैं फिर इनको याद रहें। तो यहाँ पे हम लोग हैप्पी लैंड आ गए, यहाँ से इनको खूब इंजॉय करवाया, खूब इन्होंने भी मस्ती की, खूब खेले, खूब मज़ा आया। तो ये ईद का दूसरा दिन है और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं हैप्पी लैंड में। तो ये मैं आप लोगों को पूरा जो है दिखा रही थी, यहाँ पे आप लोग जो है इंटर फ्री होता है, लेकिन फिर ये सारे जो है आपको टिकट्स लेनी पड़ती हैं। ये देखें बहुत ही प्यारा है। तो बस यही सिस्टम होता है हमारा, हर साल हम लोग इसी तरह से ईद जो है सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। आज इन्होंने खूब इंजॉय कर लिया। हाँ बस आखिरी है, माशाल्लाह काफ़ी खेल लिया इन्होंने ना। अच्छा बच्चा मुझे ऐसे हाई कर रहा है, उसे लग रहा है उसकी मैं बना दूँ। नहीं इतनी ऑफर नहीं आएगी।
मम्मा को समझाया था कि ध्यान से पकड़ना। वो बैठे हुए तो बस यही तरीक़ेकार होता है हमारा। अभी हम वापस निकल रहे हैं यहाँ पे, बच्चों ने बलून्स वगैरह भी ले लिए और ख़ूब इंजॉय कर लिया। आज का दिन इनको जो है याद रहेगा और हमें भी याद रहेगा। मतलब कोशिश करते हैं कि क्योंकि हम अपने कंट्री में नहीं है तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंजॉय करवाएँ। तो फिर ये है थर्ड डे, ईद का लास्ट डे, और क्योंकि इस बार इनके स्कूल की भी छुट्टियां बहुत कम थी और हम लोग आए हुए हैं खाना खाने बाहर, और यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है मेरे बच्चों को भी और हमें भी। लेकिन इस बार क्योंकि शायद ईद की वजह से इतना जो है मज़े का नहीं था, क्योंकि शायद ईद का रश है और इस वजह से जल्दी जल्दी में ये लोग बना के देते हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन 65 टिक्का और सादा राइस मंगवाए थे ताकि बच्चे शौक़ से खाएं, स्पाइसी ना लगे इनको, और साथ ही ख़ुद के लिए सालन, और ये बहुत ही मज़ा आया। और ये हमारा तीसरा दिन है। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।